हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मैं बात करने वाली हूँ एल्विस यादव के बारे में। आज एल्विस यादव को बहुत बड़ी बात पता चली। पिछले 3 महीने से उनके लिए हेट फैलाया जा रहा है, कोई पैसा खर्च करके उनके लिए हेट फैला रहे हैं और इसी कारण एल्विस यादव काफी दुखी थे। और इसी कारण एल्विस यादव हम सभी से रिक्वेस्ट किए कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के लिए हेट फैलाकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हम यदि किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी ने नेगेटिविटी के लिए 25 लाख रुपीज खर्च किया है और इसी कारण एल्विस यादव रिक्वेस्ट किए ये पैसे अपने फैमिली पे खर्च कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे वो हमें बहुत कुछ कहें, वो क्या कहें आप सुनिए। कल नहीं, आज एयरपोर्ट पे मेरे से बोला कि मनीषा का गाना है। मैंने कहा अच्छी बात है यार। तो मैंने, कई लोगों को तो ह्यूमर समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है क्या 5-5, 6-6 साल के बच्चे देख रहे हैं क्या, जो उस हिसाब से जज करते हैं। मजाक में मैंने बोला कि हाँ वो भी ट्रेंडिंग है अपने से नीचे, मजाक में बोला मैंने। ऐसे तो बोलता ही हूँ मैं, ऐसा ही तो हूँ मैं भाई। लोगों के वो हजम नहीं हो रही, कह रहे भाई तुम हेट करते हो मनीषा को। हाँ भाई मैं हेट करता हूँ, मैं सबको हेट करता हूँ। तुम देख रहे हो, मैं तुम्हें भी हेट करता हूँ यार। कैसी बातें हैं यार, समझो भाई, ऐसे मत करो, अपने चिल मारो। और जो किसी ने कैंपेन दे रखा ना मेरे मीमर भाइयों को, जो पैसा पूसा लेके कर रहे हो, मत करो यार, हैं मत करो भाई, अच्छा लगता, समझ रहे हो ना। तो वैसे सच बताऊँ ना, एक चीज़ बताऊँ, मुझे पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सब उसको सब जानते भी हैं। हम नाम नहीं लेते बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें पता नहीं है। हमें तो पता है कौन पीछे से हमारे क्या करा सकता है, कौन हमारे पीछे से क्या क्या बोल सकता है, कौन किसको गाली दे सकता है। आई नो एवरी थिंग, बट बहुत मन में हमारे चीज़ें भी दब रखी हैं भाई, हम बाहर नहीं निकालते। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ मन में बात नहीं, ऑल क्लियर है। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला पर्सन हूँ कि कोई नहीं, कर दिया क्या होगा भाई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अपना बढ़िया जियो यार। किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, दैट्स इट। आगे मैं बात करने वाली हूँ फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान के ट्रिगर्ड इंसान के साथ जूम चैनल पर पॉडकास्ट आई हुई है। वो हमें बहुत कुछ बताएं अपने भाई के बारे में और साथ ही साथ फुकरा इंसान हमें ये भी बताएं कि काफी टफ था बिग बॉस हाउस में रहने के लिए 56 डेज। मनीषा रानी के आने के कारण फुकरा इंसान के लिए इजी हो गया 56 डेज बिग बॉस हाउस में रहने के लिए। डाउन टू अर्थ नहीं, इसको ये तो अंडरग्राउंड है यार। देखो हम कितने डाउन टू अर्थ है कि लॉलीपॉप चूसते चूसते इंटरव्यू कर रहे हैं। वो लड़की मनीषा वहां पर सब थी तो मेरे 56 दिन निकल गए। अदरवाइज वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता ना, तो यू लाइक कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं क्यों आया हूँ, मैं फंस गया, अब मैं क्या करूँ, अरे यार कितने दिन रह गए बाहर निकलना। तो वो जो वाइब डे वन से हमारी कनेक्ट हुई, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उस फ्लैट उस जगह पे मुझे वो मिले एंड द वाइब कनेक्टेड। और जब बात हो रही है बिग बॉस के बारे में तो मैं कुछ और भी अपडेट दे दूं आप सभी को। बिग बॉस 17 स्टार्ट होने वाली है 15th of October। इस बार बिग बॉस में कुछ नई सिस्टम बनाई गई है, शायद कुछ कपल्स रहने वाले हैं इस बिग बॉस में। पर बहुत कोई अपडेट कर रहे थे कि हर्ष बेनीवाल जाने वाले हैं बिग बॉस 17 में, पर मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बिग बॉस हाउस में जाने से पहले कभी भी डिक्लेयर किया नहीं जाता है कि कौन सा कंटेस्टेंट जा रहे हैं। और यदि ऐसा ही कुछ होता तो बिग बॉस OTT 2 में UK 07 राइडर जाने वाले थे, पहले से ही सभी को इन्फॉर्म कर दिए थे जिसके कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको क्या लगता है, सच में हर्ष बेनीवाल बिग बॉस 17 में जाने वाले हैं? आप हमें कमेंट में बताएं। और जब बात हो रही है UK 07 राइडर के बारे में तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ और भी अपडेट दे दूं। UK 07 राइडर हमें देने वाले हैं बहुत बड़ी सरप्राइज, पर ये सरप्राइज क्या होगी आप उन्हीं से सुनिए। सहमलो जी, क्या हाल चाल। ये स्टोरी आई नो मैं थोड़े टाइम बाद डाल रहा हूँ, बट द थिंग इज गाइज थोड़े से लेट आ रहे हैं, 1 घंटा लेट चल रहे हैं बिकॉज बैक एंड पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उस चीज़ के अनाउंसमेंट करूंगा, लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। 2023 में हम लोगों ने बहुत सारे बम फोड़े हैं, जो एटम बम हम फोड़ेंगे ना इसके लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है मुझे पूरे दिन भर में। खुश हो जाओगे ब्रो से ना, बाकी थोड़े से ब्लॉग्स लेट ही आएंगे आजकल। 1 घंटा ब्लॉग्स आई प्रॉमिस, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ब्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं, 1 घंटा लेट आएंगे, आई अपोलोजाइज, बट व्लॉग्स नहीं रुकेंगे गाइस, थोड़ा सा टाइम दे दो, आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रो सेना। आगे मैं बात करने वाली हूँ जट प्रभजोत के बारे में। जट प्रभजोत की हो गई फाइट अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली समीरान के साथ हो गई बहुत बड़ी लड़ाई। एक्चुअली जट प्रभजोत अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक राइड पर निकले हुए थे जम्मू टू दिल्ली, लेकिन दिल्ली लौटते वक्त सभी फ्रेंड्स तीतर बीतर हो गए। स्पेशली समीरान तो कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किए जट प्रभजोत को, जिसके कारण जट प्रभजोत को काफी गुस्सा आया और वो रस्ते पे ही झगड़ पड़े अपने दोस्तों से। पर समीरान ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया जट प्रभजोत को। क्यों नहीं देखा, मैसेज तो देखेगा तेरा, कोई बंदा मैसेज कर रहा नहीं कर रहा, ऊपर से तू खाना खाने रुका, तूने बाइक बाहर खड़ी करी रोड पे, भाई मेरे को तो नहीं दिखी, कहाँ लगा दी यार, बेफालतू की बात कर रहा है समीरन, छोड़ गलत चीज है, जो गलत है वो गलत है भाई। तेरे को मैंने लोकेशन भेजी है, तू लोकेशन देख कर आना, सामने रोड, तीनों बाइकें खड़ी है रोड पे, इंडिकेटर चल रहा है इसकी बाइक के, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा।
खाक राइड करोगे यार तुम, में नहीं रह सकते, दिमाग खराब कर रखा है। पागल है क्या? पागल है क्या? इधर भाई नहीं, लव इधर निकाल के दे इसको, बोल। आगे मैं बात करने वाली हूँ नियॉन मैन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नियॉन मैन की और भी एक चैनल है नियॉन मैन स्पोर्ट्स, और इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कंप्लीट। सो ग्रेट कांग्रेचुलेशन टू हिम। आगे मैं बात करने वाली हूँ एक वायरल वीडियो के बारे में, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल जा रही है, और इस वायरल वीडियो पर एल्विस यादव भी रिप्लाई किए। वो क्या कहे आप देखिए। गाइस, अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, बहुत सीरियस बात है, ठीक है? और मजाक मस्ती साइड कर दो, अब सुन। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और यदि वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।